नवीन भाई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवीन भाई और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। ऐरवली मतदारसंघाचे महायुतीचे उमेदवार गणेश नाईक यांनी यादवनगर, देवीधामनगर, भीमनगर, पंचशीलनगर, महात्मा गांधीनगर, आंबेडकरनगर, गौतमनगर, साईबाबानगर या ठिकाणी प्रचाराची रॅली काढली। यावेळी माजी आमदार संदीप नाईक, माजी महापौर सुधाकर सोनवणे, रंजना सोनवणे व मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते। यावेळी गणेश नाईक यांनी सांगितले की 2024 संदीप नाईक आमदार असतील। आने वाले 21 तारीख को इलेक्शन है और ऐरोली मतदार संघ जिसका नंबर 150 है, इस मतदार संघ से भाजपा, शिवसेना, आरपीआई और घटक पक्ष का प्रत्याशी के तौर पे मुझे यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की एक बारी आ गई, मौका मिला। हालांकि सबको मालूम है कि ऐरोली विधानसभा से संदीप नाईक को लड़ना था, लेकिन संदीप नाईक ने ही मुझे बताया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे तो हम लोग भी राजनीति से हट जाते हैं। सभी परिवार के लोग, दोस्त और नई मुंबई के सभी कार्यकर्ता और मुझे चाहने वाले सभी लोगों के आग्रह के खातर यहाँ से चुनाव लड़ने का मैंने फाइनल कर दिया। जब आज मैं इन दो वार्ड में प्रचार की रैली निकाल रहा हूँ तो उस वक्त उपस्थित ऐरोली के पहले आमदार विधायक संदीप जी नाईक अपने नई मुंबई के भूतपूर्व महापौर सुधाकर जी सोनावने, नगर सेविका रंजना सोनावने, भूतपूर्व नगर सेविका गौतमी सोनावने, यहाँ का युवक का जो अपना चौकन्ना नेता राजेश जी मड़वी, अपने इन्हें वंचित लोगों के लिए आगे आगे बढ़ के जिनने लीडरशिप किया, हमारे अभंग जी शिंदे, मिश्रा जी, मिश्रा साहब, श्री संजय जी, यह भाजपा, शिवसेना, आरपीआई के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैंने देख लिया कि बारिश हो रहा था फिर भी महिला लोग भी पीछे नहीं हटे, महिला लोग भी लगातार रास्ते में चलते रहे। पत्थर रास्ते में कई के जगह पे गड्ढे थे क्योंकि बारिश भारी होने से गड्ढे बने, फिर भी किसी ने पानी उड़ जाएगा, कुड़ हो जाएगा, अपना रास्ता चलना छोड़ा नहीं। अभी उसी ढंग से अभी देश में परिवर्तन हो रहा है। देश में रहने वाले, देश से प्रेम करने वाले किसी इंसान को मन में भय रखने की जरूरत नहीं। वो कौन से भी धर्म का हो, कौन से भी जात का हो, कौन से भी भाषा का हो, वो कौन से भी वर्ग का हो, झोपट्टी में रहने वाला, गांव में रहने वाला, शहर में निर्भयता के साथ इस शहर में रहना चाहिए। अपने सुधाकर जी सोनवणे जी कहा कि भाई संदीप नाईक ने लगातार दो टर्म में अपने शक्ति और बुद्धि लगा के इस मतदार संघ का काम करने का प्रयास किया। अभी इस शहर के बारे में मुझे पत्रकार ये अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले पूछते हैं, दादा अभी क्या बचा है। हालांकि देखा जाए तो नई मुंबई और शहरों से बहुत आगे गई, लेकिन मेरा मन का जो दुख रहा था कि जिन गांव वालों ने अपने जरूरत से गांव में मकान बनाए उसको अधिकृत करना और अच्छे स्वास्थ्य के साथ में, निर्भयता के साथ में उनको वहाँ रहने के लायक परिस्थिति बनाना, ये मेरा पहला काम है। साथ ही साथ झोपड़पट्टी इलाके में जो लोग रहते हैं, मुंबई में एसआरए के लिए 4 पैसा मिलकर मुंबई की झोपड़ी के रहने वाले लोगों को अच्छे मकान मिले, ये 5 साल में उसको अंजाम देना है, पक्का अंजाम देना है। सिड़कों ने बनाए मकान जो गलने लगे, वहां से दीवार से पानी आने लगा, सीपेज एंड लीकेज, कई लोग तो रहने लायक इमारत में नहीं रहते हैं,
वो लोगों के लिए 2.5 FSR, गांव के लिए 4 FSR। अभी इसके लिए 21 तारीख को इलेक्शन है, 24 को काउंटिंग है, और मैं यकीनन से बोलूंगा कि ये 5 साल में पूरी समस्या का रास्ता निकाल के 2024 के लिए ऐरोली से विधायक रहेगा संदीप नायक, उम्मीदवार नहीं। 2024 में संदीप नायक यहाँ का विधायक रहेगा। उम्मीदवारी तो सबको मिलती है, उम्मीदवार दीवार पे नाम अभंग जी लटक जाते हैं, और उसके ये 5 साल के अंदर जो गांव के लोगों का दुख दर्द है, झोपड़ी वासियों का दुख दर्द है, कॉलोनी में रहने वालों का दुख दर्द है, ये सब दुख दर्द के लिए हाई लेवल पर मंत्रालय से रिटायर्ड हुए सचिव लोगों को, नगर विकास में काम किए हुए एडीटीपी टीपीओ सब लोगों को ये स्थिति है, ये समस्या है, इसमें से कैसा रास्ता निकाला जाए ये आप लोग हमें बताओ। और मैं यकीनन से बोलूंगा कि गणेश नाइक विधानसभा में जाएगा तो वो विधानसभा में ये तीनों समस्या का हल निकालने की पक्की ताकत रखेगा, ये विश्वास है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रेणुसे सह प्रिया भुजबैन सा रिपोर्ट, नवी मुंबई आवाज। नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवी मुंबई और पनवेल की ताजा तरीन खबरें।